नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष के अंदर जब हमारा कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है तो हम उसके बारे में कैसे फलित करें। देखिए, हमारी जन्म कुंडली में कई बार हम देखते हैं तो बहुत सारे ग्रह जो है नीचे हो जाते हैं, कई बार एक ग्रह, कई बार दो ग्रह, तो हम चिंतित हो जाते हैं। और उसमें भी कोई बड़ा ग्रह जैसे गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है या फिर शुक्र है, ऐसे ग्रह जब नीच के हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो आपको इसी भ्रम से बचाने के लिए और फलादेश के कुछ नए टिप्स याद रखिएगा। हम जो सोचते हैं ना कि हमने देखा कि भाई जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो गया वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, कभी नहीं है, क्योंकि उसको फलादेश करना चाहिए। हाँ, नीच का होने से एक तरफ हम ये सोच सकते हैं कि हाँ वो ग्रह जो है वो कुछ हद तक नेगेटिव हो चुका है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि नीच का ग्रह जो है हमेशा बुरे परिणाम देता है। और नीच का ग्रह कब अच्छा परिणाम भी दे सकता है, साथ में उस नीच के ग्रह को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, कोई भी योग, कोई भी चीज जो कभी भी दोष भी बन सकती है, कभी योग भी बन सकती है। याद रखिएगा, एक धोखाधड़ी करने वाले के कुंडली के अंदर राहु अगर प्रबल है तो उसको लाभ देता है, अगर सीधे साधे व्यक्ति के राहु अगर कहीं ना कहीं प्रबल ज़्यादा हो जाता है तो उससे धोखाधड़ी करा के वहाँ पे उसे फंसा भी देता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ग्रह की चाल क्या है, उस चाल के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो आपके सामने एक जन्म कुंडली है, इसके अंदर शनि नीच का है, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो सकता है, उसको फलित करने का तरीका जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ही नीच का है, हो सकता है आपके बच्चों की जन्म कुंडली में या किसी भी कोई भी ग्रह नीच का होता है, लेकिन आप फलादेश के टिप्स समझिए, फलादेश का बेसिक तरीका समझिए, उसको हम हर लेवल पे जाके समझिए, आपको पता चलेगा कि ग्रह को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने एक जन्म कुंडली है जिसमें शनि देवता नीच के बैठे हैं, जन्म कुंडली में लग्ने शुक्र है, शुक्र जो है वो यहाँ पे भाग्य स्थान में मिथुन राशि में बैठा है। सबसे पहले जब ग्रह जन्म कुंडली में हम देखते हैं कोई ग्रह नीच का दिखता है तो सबसे पहले लग्नेश पे जाइए, क्योंकि लग्नेश क्या है कि लग्नेश अगर बलि होगा ना तो हम ये समझ लीजिए कि आप अगर घर के मुखिया हैं, अगर आप बलि है ना, ताकतवर है ना, तो बाकी कोई भी वस्तु आपको डरा सकती है, थोड़ा सा जो है वो आपको मतलब आपको भयभीत कर सकती है लेकिन आपको नुकसान नहीं कर सकती। इसका मतलब कि शुक्र अगर यहाँ पे, अब आपको एक टिप्स यहाँ पे मिल चुकी है कि अगर आपका कोई ग्रह नीच का है तो आप लग्नेश पे जरूर ध्यान दीजिए। लग्नेश यहाँ पे भाग्य स्थान में मजबूत बैठा है, इसका मतलब हम अगर पॉइंटों के हिसाब से गिने, अगर मैं नीच के ग्रह को अगर 5 बिंदु लेके चलता हूँ तो पहले बिंदु में हमें विजय प्राप्त हुई है कि हमारा लग्नेश मजबूत है, पहला बिंदु। इसी तरह से फलादेश करना है तो लग्नेश यहाँ पे मजबूत हुआ। दूसरा बिंदु कि जन्म कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न की डिग्री, यानी कि लग्न जिस समय उदय हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, क्योंकि लग्न का मध्य बिंदु, हर भाव का मध्य बिंदु होता है, तो लग्न की डिग्री यहाँ पे 21 डिग्री है जो विशाखा नक्षत्र में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का है, गुरु जन्म कुंडली के लिए क्या है कि तीसरे यानी कि पराक्रम भाव, छठे घर रोग, ऋण और शत्रु और नौकरी का भी है, जिसका मालिक है गुरु, और गुरु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो लाभ घर में बैठा है। तो गुरु थोड़ा सा अशुभ जरूर है परंतु लाभ स्थान के अंदर बैठा है, प्राप्ति भाव में, यानी कि लग्न की डिग्री भी मजबूत है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट सी आपको जो है फलादेश के करीब ले जाएंगे। आप यूट्यूब पे या बाकी जगहों पे या कोई भी वेबसाइटों में देखते हो, कहते हो अरे यार नीच का हो गया, फिर आप उपाय करना शुरू करते हो। उपाय करना जरूरी है लेकिन डायग्नोस उससे पहले, अगर आप डायग्नोस ही नहीं करोगे तो उपाय किस चीज़ का करोगे। तो दूसरा पॉइंट कि हमारा लग्न की डिग्री का जो मालिक है वो मजबूत है, दो पॉइंट है, हमें कहीं पे भी गिरने नहीं देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको देखना क्या है कि जो शनि नीच का हुआ है, अब शनि मेष राशि में, मेष राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका, शनि किस नक्षत्र में है? शनि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शनि जो है वो यहाँ पे 0 डिग्री का अश्विनी नक्षत्र में है। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है किसी भी नक्षत्र में, अश्विनी, अब 0 डिग्री का, बहुत सारे लोग कहेंगे कि 0 डिग्री का तो ये तो बाल अवस्था में है, ये तो कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोग बाल अवस्था, कुमार अवस्था करते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए डिग्री उस भाव का लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वो बताती है कि ये ग्रह जो है वो है कहाँ पे। तो इसका मतलब कभी भी इस अवस्थाओं पे मत जाइए, हो सकता है कि नीच का शनि 1 डिग्री वाला भी आपको रिजल्ट दे दे, मतलब बिल्कुल खराब कर दे, बिल्कुल ही लाभ दे दे, कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो शनि अश्विनी नक्षत्र में, जिसका मालिक केतु है जो 12वें घर में बैठा है, और कन्या राशि का, कन्या राशि जिसे हम कहते हैं जल अन्न पूर्ण भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो जल और अन्न से भरी हुई है,
इसका मतलब कि शनि रिजल्ट दे सकता है, लेकिन शनि रिजल्ट अब देगा कैसे, इसे कहते हैं अलाइन करना। शनि 12वें घर का, इसका मतलब हम शनि, हमारा शनि घर से बाहर या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में या कोई इन्वेस्टमेंट के कारोबार में हम जुड़ जाएं, जैसे फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करना है, अगर इनसे हम अगर जुड़ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये नीच का शनि हमें कुछ रिजल्ट, मतलब ये माने कुछ भी बुरा नहीं करेगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा। ये अलाइन करना ग्रह को, यानी कि शनि व्यापार घर में बैठा है, अगर मैं ये कह दूं इस जातक को कि आप घर से दूर चले जाओ, जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति दिल्ली का है, हम कह दें चल तू बॉम्बे या बेंगलोर चला जा, कलकत्ता आसाम चला जा, कहीं पर भी, तो तेरा ये जो शनि है वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। या वहीं पर बैठ के, पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग वहीं पर बैठ के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर कि बाहर से माल ला, हो सकता है कि वो माल तुम्हारे गांव में मिलता होगा लेकिन तुम वो बाहर से लेके आओ, कि मान लीजिए चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, या फिर या वहाँ से, यहाँ से वहाँ भेज रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो, जैसे कई बार लोग देखते हैं आप कि कहते हैं कि भाई यहाँ की मशहूर ये चीज़ है, ये राजस्थान की मशहूर चीज़ बेच रहे हैं, दिल्ली की बेच रहे हैं, बॉम्बे की बेच रहे हैं, उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं ना कि कई बार कि लोग ये लिखते हैं कि भाई ये बॉम्बे का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है ना, साड़ियाँ या फिर ऐसे कपड़े जो भी है, उससे उनको ज़बरदस्त लाभ होता है। कारण क्या है, ऐसे ही ग्रह उनको लाभ देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ना, ये पॉइंट्स है। तो हमने दो पॉइंट पकड़े अभी, तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि तीसरा पॉइंट हमने पकड़ा कि ये ग्रह जो है वो केतु से जुड़ के हमें बाहर चल रहा है, इसके हम मतलब हम अलाइन कर चुके हैं। अब चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, ये पांच जो बिंदु है ना आपको निखार लाते हैं आपके जो फलादेश में। अब एक चीज़ हम इसको देखते हैं कि ये जो ग्रह है नीच का, यहाँ पे हम नवमांश लगाते हैं तो नवमांश में भी ये नीच का है लगन में। दशमांश लगाता हूँ मैं यहाँ पे, डी टेन चार्ट, दशमांश में भी नीच का है। ये जो दशमांश है हमारा थोड़ा सा अलग है, ये ओझा जी वाला दशमांश है। बहुत सारे लोग पराप्सरा दशमांश यूज करते हैं, मैं ओझा जी का यूज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमारा भी कैलकुलेशन है अलग अलग टाइप का, तो लेकिन उसमें भी ये जो है वो नीच का है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, हमेशा ही याद रखना है कि तीनों में नीच का, इसका मतलब तो है, तो है नीच, नीच वर्गोत्तमी है, भयंकर रिजल्ट देगा। अब अगर ये बुरा होगा तो भयंकर बुरा होगा, और अच्छा होगा तो भयंकर बुरा। अब ऐसी जब कुंडली आती है तो आपको, आपके सामने आ जाता है सर्वाष्टक वर्ग। ये सर्वाष्टक वर्ग भी एक बड़ी कोर्स है, बड़ा चीज़ है। जब हम देखते हैं कि जातक के आपके जो 12वें घर में 21 बिंदु है और बी जो 20 बिंदु 8वें घर में, इसका मतलब क्या है कि जातक का जो समय है ना, जातक का भाग्योदय का समय है ना, वो लेट है। टाइम लगाएगा ये व्यक्ति, ये टाइम लगाएगा ये व्यक्ति। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जातक, अगर मैं एक अंदाज से कहता हूँ ज्योतिष के अनुभव के द्वारा, कि 40-42 वर्ष के बाद ही ये कुछ रिजल्ट ले पाएगा, उससे पहले उसकी दशाएं रिजल्ट नहीं देगी। अब हो सकता है कि बहुत सारे ज्योतिष आ रहे नीच के शनि के ऊपर जाके उसके ऊपर कूद कूद के गिरे, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। ये ही कुंडली बता रही है, ये पॉइंट्स ही बता रहा है कि आपको ये रिजल्ट देगा। क्योंकि अगर मैं सडबल में जाऊँगा तो इस शनि के पास तो बड़ा ज़बरदस्त बल है 135 का, जो शुक्र से भी ज़्यादा है, लग्ने से भी है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अष्टक वर्ग के, यहाँ पे तो 4 बिंदु, ये भी बहुत है। अगर मैं यहाँ पे इस शनि के विनाष्टक वर्ग में जाता हूँ तो शनि जहाँ पे बैठा है वहाँ पे 4 बिंदु दे रहा है। शनि तो 4 बिंदु बहुत ज़्यादा होते हैं शनि के, तो क्योंकि शनि के तो न्यूनतम बिंदु ही कम है, इसलिए 4 बिंदु शनि दे रहा है। चौथे घर में भी दे रहा है, धन सर्पता में, और यहाँ पे भी 4 बिंदु दे रहा है, पांचवें घर में भी 5 दे रहा है। इसका मतलब आय की स्त्रोत तो बढ़ाएगा ये। जहाँ पे शनि बैठा हो वहाँ पे अगर शनि ने कम बिंदु देता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 बिंदु देता ना, तो कहते कि आपका ये नीच का शनि आपको रगड़ देगा, नुकसान देगा। यहाँ पे तो बैठा 4 बिंदु लेके है, धन देगा, ये जबरदस्त धन देगा। अब इसमें क्या है, ये जो पॉइंट है ना सर्वाष्टक वर्ग, ये चौथा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, सर्वाष्टक वर्ग को देखना जरूरी है। अब मैं इसमें एक और ट्रिक टिप्स बताऊंगा आपको। ये वीडियो जो है ना वो कैलकुलेशन है, मैंने अभी ये नहीं कहा कि आप जाके वहाँ पे शांति कराए, वहाँ जाके ये कराए ये कराए, ये मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ डायग्नोस, मेरा सबसे पहला काम है डायग्नोस करना। यहाँ पे जब हम जाएंगे इसके अंदर, जब हम दशाओं में जाएंगे तो जातक को जो दशाएं चल रही है 2002 से लेके 18 तक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गुरु जो है वो लाभ घर में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये गुरु रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब हमने यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में एक चीज़ एनालिसिस किया है कि जुपिटर हमारा 119 का स्ट्रेंथ लेके बैठा है, लेकिन शनि से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। शनि के नीच के शनि की दशा इस गुरु से अच्छी निकलेगी। प्लस एक पॉइंट और प्लस क्या है कि हमारा जगह अगर हम बात करते हैं कि सब सर्वाष्टक वर्ग में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे 21 और 20 बिंदु बन रहे हैं, जो हमें दिखाता है कि हमें टाइम लगेगा
दुनिया कितनी भी कुछ कह दे, हम कितने भी कुछ आगे हथकंडे अपना ले, हमें टाइम लगेगा तो लगेगा। अब यही शनि की दशा क्या करती है कि जहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि शनि की दशा लगती है 2018 से, यही वो टाइम होता है। जैसे मान लीजिए 67 का है तो 18 तक लग काफ़ी उम्र हो जाती है, यहाँ पे आके शनि रिजल्ट देगा। और शनि का यहाँ पे बल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे 4 बिंदु लेके बैठा है शनि, बहुत अच्छा बल लेके बैठा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, शनि का जो ये विनाष्टक वर्ग है उसके अंदर जब जाके देखेंगे शनि कहाँ पे नीच का हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है ना ये, यहाँ पे यानी कि सप्तम भाव में शनि के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे शनि के प्रस्तारक में, शनि के प्रस्तारक में ये है पांचवा बिंदु जो आपको सिखा देगा कि आपका ग्रह क्या उस भाव को काटेगा या फिर उस भाव को रिजल्ट देगा। यही वो पॉइंट है जो आपके फलादेश में निकाल रहेगा। सातवें घर में शनि ने कोई बिंदु नहीं दिया अपने द्वारा, इसका मतलब मैं नीच का जरूर हुआ हूं लेकिन मैं इस भाव को नहीं काटूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट। शनि ने यहाँ पे चौथे घर में 4 बिंदु दिया, यहाँ पे भी उसने कहा कि नहीं मैं प्रॉपर्टी भी नहीं खाऊंगा, नीच का शनि है ना, मैं प्रॉपर्टी भी नहीं खाऊंगा। यहाँ पे शनि ने 10वें घर में दिया कि मैं कर्म भी नहीं खाऊंगा, मैं नीच का होके, अगर नीच का है इसका मतलब वो कुछ खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी शनि ने नहीं दिया बिंदु, इसका मतलब शनि यहाँ पे भी हमें नहीं परेशान करेगा, यानी कि धन भी देगा, परिवार देगा, व्यापार देगा और यहाँ पे ये जो आपका कहते हैं स्टेटस भी देगा, ये नहीं खाएगा नीच का शनि। अगर मान लीजिए शनि उच्च का होता और यहाँ पे वो पॉइंट नहीं देता ना, तो आप ये सोचिए कि शनि उच्च का होके हमें व्यापार नहीं दे सकता, वो उच्च का सिर्फ हमें सिर्फ अच्छा परिवार दे सकता था। कई लोग अच्छे परिवारों में पैदा हो जाते हैं लेकिन बाद में फेल हो जाते हैं, कारण क्या है कि वो शनि का विनाष्टक वर्ग में पॉइंट देना। तो यहाँ पे मैं इसको वापस वैसे करता हूँ, इसका तात्पर्य यही जो पाँचवा पॉइंट है ना, यही आपके इसमें निकाल आता है कि आपको करना क्या है, यही चीज़ है। अब कहते हैं ना कि शनि नीच का है, आयु लंबी दे देगा क्या, 3 बिंदु है नहीं दे पाएगा, शनि के पास नहीं है, लेकिन हाँ शनि के दशा में जब तक को लाभ होगा, ये नीच का शनि दिखने का है लेकिन लाभ जरूर देगा। इसी पॉइंट से आप हर ग्रह को फलित कर सकते हैं, कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच का है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फलित करिए। शनि के कैरेक्टरिस्टिक अलग है, शनि थोड़ा सा क्या है कि तनावपूर्ण है, तकलीफदायक है, लेकिन भाग्य उदय करने वाला और काल निर्धारण करने वाला ग्रह है। जिंदगी में 2 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला गुरु जो वृद्धि करता है समय के अकॉर्डिंग, दूसरा है काल कारक शनि, यानी कि काल, काल का मतलब क्या है, घटना को घटित करना कि आपकी जिंदगी में भाग्योदय कब होगा, ये शनि का काम है, इसका जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो आज का ये जो वीडियो था ना, इसमें हमने नीच के ग्रह को कैसे फलित करें और खास करके शनि को वो बताया, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।